हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो डाई लाई है वो बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है बालों को कलर करने के लिए। इसलिए क्योंकि इसमें मैंने जो चीज़ इस्तेमाल की है बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही इफेक्टिव है और बालों को बहुत जल्दी कलर देंगी। इसलिए इसे आपको ज़्यादा टाइम रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आधे से एक घंटे में ही आपके बालों में बहुत अच्छा कलर आएगा इससे। इसलिए इसमें जो मैंने आज सामान इस्तेमाल किया मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने इस्तेमाल किया चुकंदर का पाउडर। ये बालों को कलर करने के लिए बहुत अच्छा काम आता है, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ही पावरफुल होता है बालों को कलर करने के लिए। और इसका कलर भी बहुत ही पक्का आता है, इतनी जल्दी से आपके बालों से इसका कलर नहीं निकलेगा इसलिए। दूसरा मैंने इस्तेमाल किया है आज इसमें चाय की पत्ती। चाय की पत्ती बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। चाय का आप देखेंगे कभी कभी अगर आपके कपड़ों में चाय गिर जाती है तो उसका कलर जल्दी से नहीं निकलता है, क्योंकि इसका कलर बहुत ही अच्छा बहुत ही पक्का होता है। इसलिए मैंने जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल की है वो है चाय पत्ती। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कम से कम 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है और उसे आधा गिलास पानी में बहुत अच्छे से पकाना है, इतना कि उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाए। चाय पत्ती बिल्कुल एकदम जितना भी उसका चाय पत्ती में आके है ना पूरा पानी में आ जाना चाहिए, इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा तभी इसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। क्योंकि चाय पत्ती जब आप पानी में बहुत अच्छे से पकाएंगे तो उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। इसलिए अगर आप इसे आधा गिलास पानी में 2 चम्मच चाय पत्ती आप इसे कम गैस पे रख देंगे कम से कम भी 5 से 10 मिनट तक, तो इसका जितना भी इफेक्ट है ना चाय पत्ती का पूरा पानी में आ जाएगा और इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। इसलिए और पानी कम ही रखना है आपको, सिर्फ आधा गिलास पानी लेना है अपने बालों के अकॉर्डिंग। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इसे चाय पत्ती को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा इसलिए, क्योंकि इसमें मेन जो आज मैंने चीज़ इस्तेमाल की है वो सिर्फ चाय की पत्ती है। दूसरा कलर देने के लिए मैंने इसमें जो आज इस्तेमाल किया है वो है चुकंदर का पाउडर। इसलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, आप इसे लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, नहीं अगर आप झटपट इसे लगाना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम मतलब आपके पास नहीं है क्योंकि इसका कलर तो आप जल्दी लगाएंगे तो उसका कलर बहुत जल्दी आ जाएगा। इससे ज़्यादा आयरन की कढ़ाई में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आयरन की कढ़ाई में ही डाई बनाते हैं, इसलिए वो इसे आयरन की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसलिए अब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, इसमें मैं लूँगी 1 चम्मच हीना। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे बाल छोटे हैं तो इसलिए मैं 1 फुल स्पून हीना में ही मेरा हो जाता है, क्योंकि मैं पूरा अच्छे से स्काल्प में लगाती हूँ उसे, पूरे बालों में अप्लाई नहीं करती हूँ हीना को, क्योंकि आजकल ठंडे का मौसम है तो पूरे बालों में लगाएंगे तो बहुत ठंडा लगता है। इसलिए आप जो भी डाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसे उसकी क्वान्टिटी आप उसमें थोड़ा चीज़ों की क्वान्टिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि जैसे सर्दियों का मौसम है तो उसे आपको कम टाइम लगाना पड़ेगा। इसलिए तो आप मैंने ये 1 चम्मच पूरी भर के हीना ली है, इसमें मैं ये 1 चम्मच के करीब ही मैं छोटी 1 चम्मच के करीब मैं इसमें चुकंदर का पाउडर लूँगी। और जितना कि इस पानी में अच्छे से ये मेहंदी घुल जाए इसलिए पानी आपको उतना ही लेना है। इसका हिना का कलर बहुत अच्छा है, इसे मैंने कल लगाया बालों में तो मेरे बालों में बहुत अच्छा कलर आया, इसलिए मुझे लगा तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं मोस्टली ज़्यादातर डाई ही बनाती हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ, उनको भी उनका बेनिफिट मिल सके इसलिए। और आजकल बालों की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, इतने छोटे छोटे बच्चों के वाइट बाल हो जाते हैं इसलिए। और जितनी नेचुरल चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे बालों का कलर बालों का टेक्सचर उन्हीं के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका। जब अगर आप रेगुलर होममेड कोई भी डाई इस्तेमाल करते हैं तो आपका आपके बाल उसी चीज़ को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करेंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इतनी जल्दी आपके बालों में उस चीज़ का कलर नहीं आएगा। अब इसे बहुत अच्छे से घोलना है। देखिए पेस्ट पूरा तैयार है। अब इसे लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके बाल ना बिल्कुल क्लीन होने चाहिए।
इसलिए, क्योंकि एक तो सर्दियों का मौसम है, अगर आप ऑयल बालों में, वैसे ही अगर आप ऑयल लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बाल बहुत ही ज़्यादा आपके हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल भी बालों में थोड़ा जम जाता है। इसलिए तो आपको क्या करना है, अच्छे से बाल को क्लीन करना है, उसके बाद आपको इसे कम से कम आधा से एक घंटा अपने बालों में अप्लाई करना है। ठंडे का मौसम है, अगर आप शावर कैप लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपके बालों में कलर भी बहुत अच्छा आएगा, दूसरा आपके बालों को ठंड, आपको और आपके सिर को ठंडा भी नहीं लगेगा। इसलिए इसे आधा से एक घंटा अच्छे से क्लीन बालों में लगाना है, अगर हो सके तो शावर कैप लगा लीजिएगा। लगाने के बाद आपको इसे प्लेन पानी से ही आपको सिर को धोना है, कोई भी आपको शैम्पू या कोई भी सोप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, प्लेन पानी से सिर को धुलिएगा। क्योंकि जब आप बालों में, स्कैल्प में हीना लगाएंगे तो उससे क्या आपके बालों बालों का पूरा ही बाल आपके क्लीन हो जाएंगे अच्छे से, तो शैम्पू करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आप जो भी कोई हिना, घर वाली हिना यूज़ करते हैं, कोई भी आप डाई बना रहे हैं या फिर कोई भी हिना लगा रहे हैं, तो आप शैम्पू मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, जितना भी आपके बालों में कलर आएगा तो वह सब निकल जाएगा। और दूसरा, आपको कोई भी डाई, अगर आप सिर को वॉश करते हैं डाई लगाने के बाद, तो आपको जो आपके जिस पानी से आपको सिर को धोना है, उस पानी को भी आपको नॉर्मल टेम्परेचर में धोना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी में आपको सिर को नहीं धोना चाहिए, उससे क्या आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। और दूसरा, आप जो भी डाई लगा रहे हैं बालों में, उसका कलर बिल्कुल निकल जाएगा, वो बालों में नहीं रचेगी। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से ही आपको सिर को वॉश करना है और शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाना है। इसलिए तो एवरीवन, इसे बनाइएगा, अपने बालों में अप्लाई कीजिएगा, और कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ एवरीवन लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।